करिश्मा डिजाइन स्मार्ट में आप एक्सक्लूसिव एल्बम डिजाइन कर सकते हो, और एक्सक्लूसिव एल्बम डिजाइन करने के लिए आपको एक्सक्लूसिव क्लिप आर्ट, फ्रेम, मास्क और काफी सारे मटेरियल्स भी चाहिए। तो एग्जांपल, मुझे मेरा मास्क खुद का बनाना है तो कैसे बनाया जाए? मास्क का मतलब क्या? मास्क का मतलब करिश्मा के डिजाइन स्मार्ट में बहुत सारे मास्क हमने बना के दिए हुए हैं, मगर आपको फिर भी अपना मास्क बनाना बना सकते हो। मास्क का मतलब क्या है? मास्क का मतलब कि आपका जो भी मास्क है उसका बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए और अंदर का जो पिक्चर है वो व्हाइट होना चाहिए। आपको इस तरह का आइटम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में बनाना है जिससे आपका ऐसा लुक एंड फील आपको जैसा चाहिए वैसा क्रिएट कर सकती हो। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, यानी अब इसके अंदर आपको जो भी साइज, आपको सबसे पहले न्यू पे जाना है। न्यू के अंदर यहाँ पे आपको इंच सिलेक्ट करना है, यानी आपको कौन सा साइज का हमको पेज बनाना है। यहाँ पर एग्जाम्पल मेरे को आपको 5x7 का साइज डालना है, यानी हम 7 और 5 विथ 7 लेते हैं, 5 लेते हैं। इसके अंदर आपको बैकग्राउंड कलर ब्लैक लेना है, बाकी का जो भी सेटिंग है उसको एजीडी रख देना है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड कलर ब्लैक लेना है और ओके करना है। अब ये आपका बैकग्राउंड ब्लैक आ गया, अब आपको इसके अंदर आपको मास्क बनाना है। तो यहाँ पर बहुत सारे रेडीमेड टूल्स अवेलेबल है, आपको जो भी टाइप का मास्क बनाना है, जो भी शेप का मास्क बनाना है उसको सिलेक्ट करो, और उसके अंदर आपको बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। आप रेडीमेड भी सिलेक्ट कर सकते हो, खुद का भी क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं ये रेडीमेड ले लेता हूं, ये आपको सिलेक्ट करके कहां तक चाहिए वहां पे ड्रैग करके आप छोड़ दो। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो आप ब्लैक कलर का आप देख रहे हो, ये ब्लैक कलर के अंदर, यानी कि इसके अंदर व्हाइट के अंदर आपका पिक्चर आने वाला है, ब्लैक अल्फा होने वाला है। यानी आप जब भी मास्क बनाओ तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी पिक्चर है उसके ऊपर, यानी कि वाइड के अंदर ही आपको पिक्चर आना है। तो ये हम आपको अभी राइट नाउ बताते हैं। ये सिंपल मास्क मेरा, मेरे को जैसा चाहिए था वैसा मैंने बना लिया व्हाइट एंड ब्लैक के साथ। अब मेरे को इसको सेव करना है, तो सेव के लिए आपको फाइल में जाना है, आपको सेव एस करना है। सेव एस के अंदर आपको जहां पे भी एक फोल्डर बनाना है, एग्जाम्पल मैंने एक फोल्डर बना के रखा, बनाता हूं मैं कि मटेरियल, क्योंकि मेरे को मास्क बनाना है, क्लिप आर्ट बनाना है, यहां से बना सकते हो। मैंने एक मास्क का फोल्डर बनाया, मास्क के अंदर यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि आप जो भी ब्लैक एंड व्हाइट बनाया उसको जेपेग सिलेक्ट करना है, आपको जेपेग सिलेक्ट करना है, और ये मास्क को जो भी नाम देना है वो आप यहां पर आपको जो भी नाम देना है मास्क का नाम दे दो। ये जो मास्क है वो सिंपल नाम मास्क बनाया, फिर मैं आपको सॉफ्ट के साथ मास्क कैसा बनाने का वो दिखाऊंगा। मैंने जो भी मास्क का नाम नंबर देना दे दो और सेव कर दो। ध्यान रखना यहां पर आपको कुछ भी सेटिंग नहीं करना है, खाली ओके पे क्लिक करना है, राइट। अब इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं और करिश्मा का डिजाइन स्मार्ट ओपन करता हूं। अब ये मेरा सॉफ्टवेयर है जहां पे मुझे मेरा मास्क बनाया है थर्ड पार्टी, वो मेरे को इंपोर्ट करना है। उसके लिए आपको सबसे पहला मास्क फोल्डर में जाना है और यहां पर यूजर पे जाना है। यूजर का मतलब आपको आपने जो मास्क बनाया वो इंपोर्ट करना है, राइट। सो मैं यूजर पे गया, आपको प्लस पे यानी कि इंपोर्ट मास्क पे जाना है। आपने जहां पे भी मास्क सेव किया था वो फोल्डर सिलेक्ट करो, राइट। सो आपने ये आप ऊपर देख सकते हो आपने कहां पे भी मास्क का फोल्डर था सिलेक्ट किया, राइट। अब जो मास्क आपने नाम दिया था वो सिलेक्ट करो। अब यहां पे देख सकते हो आपका जो मास्क था वो आ गया। अब ये मास्क आपको जो भी फोटो पे चाहिए, सपोज पहला जो मास्क था ये मास्क था, तो जैसा फोटो पे क्लिक करोगे आपको मास्क का इंडिकेटर आएगा। यहां पर जाके आप रिमूव मास्क कर दो, क्योंकि मेरा पुराना मास्क पड़ा हुआ है, मैं इसको निकाल देता हूं। अब मैंने जो मास्क बनाया मैं सिलेक्ट करता हूं, आप डबल ड्रैग कर सकते हो, डबल क्लिक कर सकते हो, तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अभी देखो आपने जो मास्क बनाया था, हमने मास्क हॉरिजॉन्टल बनाया था और मेरा पिक्चर वर्टिकल है। करिश्मा का डिजाइन स्मार्ट के अंदर वो ऑटोमेटिक ले लेगा, और आप देख सकते हो जैसा मैंने बताया था कि ऊपर का पिक्चर यहां पर आप देख सकते हो ब्लैक था और ये व्हाइट है, यानी ये आपका ब्लैक कलर था और ये आपका व्हाइट कलर था। उसका मतलब आपका जो पिक्चर था अब वो व्हाइट कलर के अंदर आएगा। यानी जब आप मास्क बनाओगे तभी आपको डिसाइड करना है कि आपको मास्क कैसा बनाना है जिससे आपका पिक्चर कटे नहीं। अब आपको पिक्चर को अगर क्रॉप करना है तो आप जूम करके पिक्चर को नीचे ऊपर कर सकते हो। तो इस तरह आप सिंपल मास्क काफी आसानी से बना सकते हैं।